एटम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एल्युमिनियम मेटल के बारे में बोल रहे हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है बल्कि ये प्योर सबस्टेंस है, और वी कैन से ये एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है या एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा आएगा, और यहाँ पे इसके एल्युमिनियम के वन एटॉमिक मास लिया जाएगा, मास ऑफ एल्युमिनियम इन ग्राम कंटेन एन नंबर ऑफ एटम्स। पिछले वाले कंपाउंड में हम लोगों ने मॉलिक्यूल की बात की थी कि वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी संख्या एन के बराबर होगी, मीन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। बट अगर हम एटम लेते हैं, कोई एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं, तो वहाँ पे एन जो है एटम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वन। एल्युमिनियम का 26 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, 26 एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है, मीन्स 26 को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, एल्युमिनियम कंटेन एन नंबर ऑफ एटम्स, या हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23। एटम के केस में हमने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, वो एटम की संख्या बताता है, और कंपाउंड के केस में उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी है मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ये बेसिस डिफ्रेंशिएट करेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कि उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, या हो सकता है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम हो, तो एटॉमिसिटी उसको रिप्रेजेंट करती है। और एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन में या वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के दूसरे टर्म पे आते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट और क्या क्या बताता है। तो मोल कॉन्सेप्ट सॉलिड के बारे में बताएगा, लिक्विड नेचर के बारे में बताएगा, और गैसियस नेचर के बारे में बताता है। स्पेशली गैसियस के बारे में बात करें तो वन मोल ऑफ गैस, कोई भी हम गैस ले लें, चाहे वो ऑक्सीजन ले लें, चाहे नाइट्रोजन ले लें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, या XYZ कोई भी गैस ले लें, उसका अगर वन मोल लेते हैं तो उसके वन मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट गैस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, वो फिक्स्ड होता है, और ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है कि वन मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। यहाँ पे STP की मीनिंग हो गई स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी स्टैंड फॉर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समटाइम्स वी आर यूजिंग द डिफरेंट टर्म्स दैट इज कॉल्ड NTP। यहाँ पे दूसरा टर्म यूज करते हैं हम NTP, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड दिस इज अगेन प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज, यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का डिफरेंस हमें देखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर मांगते हैं, दैट रूम टेम्परेचर
एंड दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। प्रेशर यहाँ पर रहेगा 1 atm। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिया जाएगा टेम्परेचर, और 300 केल्विन। और यहाँ पे प्रेशर आपका सेम रहेगा, दैट इज़ 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये बेसिक डिफरेंस दो टर्म्स में यहाँ पर आपका ये रहा कि नॉर्मल पे 30 लिया जाएगा, स्टैंडर्ड पे आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे अगर एसटीपी पे लेते हैं तो ये वॉल्यूम इतना आ जाएगा, एनटीपी पे लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा आपका 22.7 लीटर के लगभग बराबर आता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है। कहीं कहीं पे एसटीपी दिया होगा तो वहाँ पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, कहीं कहीं पे एनटीपी दिया होगा तो ये 22.7 लीटर वैल्यूज होती हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी गैस द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम भी बढ़ता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू गैलोसॉक्स लॉ के हिसाब से बढ़ता है वहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को हम घटा देते हैं, वी आर डाउन द टेम्परेचर और वी आर चेंज द प्रेशर, तो वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है या चेंज हो जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाने पे वॉल्यूम जनरली कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें रखना है, बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, सो टेम्परेचर एंड प्रेशर्स हैव द मोच मोर इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रहा मोल कॉन्सेप्ट का, कि एसटीपी पे या एनटीपी पे किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम दैट विल बी फिक्स्ड होगा, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट रहा हम लोगों का। इसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ आपके डेरिवेशंस आते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे बाकी सब सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं।